मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी मुश्किल है। दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन, 7 अगस्त को पेश होने के आदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज किया मामला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब दिल्ली कोर्ट ने अशोक गहलोत के लिए समन भेजा है और उन्हें अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तलब किया है। कोर्ट ने 7 अगस्त को उन्हें अदालत में रहने के आदेश जारी किए हैं। मानहानि का यह मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है और इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। अब 6 जुलाई को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की और इसके बाद में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया। उन्हें 7 अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में करीब 1,40,993 निवेशकों ने संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी में 953 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दुरुपयोग कर लिया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 211 शाखाएं खोल रखी थी, जबकि गुजरात में इसकी करीब 26 शाखाएं अलग अलग जगहों पर खोल रखी थी। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी खूब पकड़ा था और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन मिलने से और ज्यादा इस पर चर्चा होने लगी है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।